विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरे वीडियो कॉन्फरेंसिंग माध्यम से इजरायल अमेरिका और यूएई विदेश मंत्रियों साथे करी बैठक। आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्दाओं पर साथे मिलने काम करने पर मुख्य भार। चार दिवसीय विदेश यात्रा पर है विदेश मंत्री। उत्तराखंड अनेक विस्तारों में हड़वाथी भारे वरसाद यथावत। केटलाक जिल्ला में सावचेती भागरूपे शालाओं कराई बंद। चारधाम यात्रा ने पण असर तो मध्यप्रदेश में हलवा वरसाद नी साथे केरल में पूर की स्थिति बनी चिंता नो विषय। हजे पण केटलीक नदी वही रही से भयजनक सपाटीए। नाइजीरिया उत्तरीय राज्य सोकोतो एक गाम में थे हिंसा में 41 जेटला लोगों मृत्यु। तो नाइजीरिया सैनिकों हिंसाग्रस्त विस्तारों में तोफानी तत्वों सामे हवाई और जमीनी स्तरे चलाव्यू कार्यवाही पूर्ण अभियान। देश में रसीकरण अभियान ने पार कर 98 करोड़ आंकड़ो। तो देश की अग्रणी टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी में नोधाए 1.4 करोड़ परामर्श। डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्यम से अपाती आरोग्य सेवा बनी रही है खूब लोकप्रिय। राज्य में सोमवार कोरोना नोधाया 18 केस तो 32 दर्द साजा। रिकवरी रेट 98.76% पहुंचो। जयरे सोमवार 3,61,000 ने अपाई रसी। मगफळीनी मबलक आवकथी उभरायुं राजकोट जिल्लाना गोंडलनुं मार्केटिंग यार्ड। अंदाजे पौणा 2 लाख मगफळीनी नोंधाई आवक। हराजीमां 200 किलो मगफळीना भाव 900 થી 1200 सुधी बोलाता खेडूतो खुशखुशाल। तो सौराष्ट्रना मोटा भागना यार्डमां पण मगफळीनी सतत आवक। देशभर में आज ईद मिलाद उन नबी की उमंग भेर उजवणी। कोरोना मार्गदर्शिका ने कारण मोटा जुलूस नहीं निकले। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे देशवासियों ने आपी ईद की शुभकामना। कहूं मोहम्मद पैगंबर जीवन बंधुत्व करुणा और स्नेह उदाहरण। गुजरात में शांतिपूर्ण माहौल में ईद पर्व की उजवणी। અને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ માટે સલામતીનો પૂરતો બંદોબસ્ત રાખી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો રખાશે। 28 થી 31 ઓક્ટોબર દરમિયાન પ્રવાસીઓ લઈ શકશે મુલાકાત।